फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खनेरवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं आपकी बार रेलवे पर, और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। मैं आपके लिए इतनी शॉर्ट वीडियो लाया हूं और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा एग्जाम में, जैसा कि इतने दिनों में पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज को ध्यान से समझना। पैकेट है छोटा सा, जेब में रख के ले जाना, आराम से वीडियो देखना, रिविजन हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना ना भूलना। चलते हैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं, चीजें पढ़ते हैं। चलिएगा, स्टैटिक्स में सबसे पहले इन तीन फॉर्मूलों को ध्यान से रखना दोस्तों। मॉड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये डायरेक्ट आ जाता है, और आपको मैं हिंदी में भी लिख दूं तो मॉड को कहते हैं बहुलक, मीडियन को कहते हैं आपके माध्यिका। ठीक है, आपको माध्यिका दे देगा, आपको बहुलक दे देगा, आपको माध्य पूछ लेगा। मतलब अगर तीनों में अगर कोई संबंध निकलवा देगा तो उनमें से कोई दो चीज दे देगा और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल दूं, आपके सामने मीडियन आपको दे दिया 12 और आपका मीन आपको दे दिया 8, तो आपको मॉड निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? तो जल्दी से मुझे जवाब दो सब लोग, कैसे निकालोगे? बहुत ही आसान फंडा है। यहां पे 12 तिया 36 यहां आ जाएगा, 2 इंटू मॉड निकालना है ना आपको, तो 2 इंटू मीन और 8 दुनी 16, तो 36 में से जब आपके 16 जाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल बन जाएगा, और ये बिल्कुल 20 आपका आंसर आ जाएगा आपका मॉड। तो समझ में आया, मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मीन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को आपस में घटाओगे तो आपका मॉड आ जाएगा, और जो कि 20 होगा। अब हर चीज का मैं जवाब भी दूंगा कि सर ये मॉड क्या होता है आप मुझे बताइए तो सही, सर ये माध्य क्या होता है आप बताइए तो सही, सब चीजों का पता लगेगा। पहले इन चीजों को ध्यान दिया जाए, इस पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कर लोगे ना, लिख जरूर लेना, याद तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आगे जो दो फॉर्मूले आते हैं वो भी बहुत जरूरी हैं, तो क्विक रिवीजन के तौर पे जैसे कि आपसे बोल दिया जाए मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि ये आपका क्या होता है, बहुलक होता है, ये माध्य होता है। अगर अगली बार क्वेश्चन में क्या दे दे आपको, दे दे मीन माइनस मीडियन दे दे, मतलब भाई डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है वो। अगर आपसे बोल दे कि आपको निकालना है माध्य, निकालना है माध्य, निकालना है आपको, मॉड आपका दे दिया उसने 6, मॉड आपका दे दिया 6 और आपको दे दिया मीन माइनस मीडियन, मतलब बहुलक और माध्यिका भी आपको दे दिया, और वो कितना दे दिया इसने 12। तो आपसे पूछ ले कि भाई साहब ये बताइए कि मीन कितना होगा, तो यहां पे आपका डायरेक्ट संबंध नहीं है ना, ना तो आपको मीन पता है ना आपको मीडियन पता है जिससे कि आप मॉड निकाल सको, या फिर ना तो आपको मॉड पता है ना मीडियन पता है, नहीं पता, क्योंकि यहां पे आप जानते हो कि इस फॉर्मूले में तीनों डायरेक्ट दिए होंगे, मतलब तीन में से दो चीज आपकी डायरेक्ट दी होंगी और एक चीज पूछी होगी। लेकिन अगर डिफरेंस की बात आ जाती है और ये आपको एग्जाम में दे रखा है तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, और आप इसका आंसर भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि मोड और 12 तिया 36, और हम कह देंगे कि आपका आंसर आ जाएगा 42, जो कि क्या होगा आपका, होगा मीन होगा। क्लियर हो गया, 42 इसको मैंने यहां पे रख दिया, 12 तिया 36 इधर जुड़ जाएगा, 6 में 42 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये दो फॉर्मूले हो गए और ये बहुत ही जरूरी है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और एक थर्ड और फाइनल फॉर्मूला होता है मॉड बराबर मीडियन, बहुलक बराबर माध्यिका माइनस 2/3 आपको दे देगा मीन माइनस मॉड। तीसरा फॉर्मूला और बहुत ही जरूरी, अब इसमें क्या करेगा, आपको और कुछ नहीं देगा, आपको या तो मॉड दे देगा या फिर मीडियन दे देगा और उन दोनों के बीच में अंतर दे देगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार आपका बन जाएगा, मीन माइनस मॉड आपको दे दिया 18, आपको मॉड दे देगा 13, आपसे पूछेगा कि भाई माध्यिका निकाल दो मीडियन निकाल दो, तो आप कैसे करोगे? तो भी आपको डायरेक्ट चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ये करना ही पड़ेगा भाई, आपको फ्री में नंबर दे रहा है, बस थोड़ा सा तो पढ़ना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आता है। कैसे करोगे? मैंने मीन माइनस मॉड की जगह 18 रख दिया, 3 से मैंने काटा 6 दुनी 12, 12 मेरा इधर जुड़ जाएगा 13 में, तो मीडियन बराबर आ जाएगा 25।
तो यही आपका आंसर है। सबके आ रहे हैं, क्लियर हो रहा है ना? यही आपकी तीन चीजें हो गई। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे कि और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं सर। तो दो ही क्वेश्चन में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों छोटा पैकेट है, देख लीजिए ध्यान से समझना आप। 5, 8, 7, 5, 6, 8, 9, 7, 3, 5 ये आपके नंबर्स दे रखे होते हैं। आपसे क्या क्या पूछ सकता है? आपसे पूछेगा पहले मॉड क्या है, मतलब बहुलक क्या है। मॉड क्या है मतलब बहुलक क्या है, आपसे पूछ लेगा माध्य क्या है मतलब मीन क्या है, आपसे पूछ लेगा मीडियन क्या है मतलब माध्यिका क्या है। तो तीनों चीजें पूछेंगे और तीनों चीजों का आंसर आप लोग दोगे मुझे, क्योंकि मैं आपको तरीका बताने वाला हूं और अगला भी क्वेश्चन आप करोगे। और जो समझने की चीजें हैं वो ध्यान से देख लेना, हर एक चीज समझ में आएगी, ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आए, ध्यान से देखो। चलो अब मैंने आपसे पूछा मॉड क्या होता है, मैंने बताया था ना, मैं एक्सप्लेन बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा। मॉड वो होता है इस श्रृंखला में, इस सीरीज में, इस डेटा में मॉड वो संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो आंसर मेरे पास आ रहे हैं, सबसे ज्यादा बार क्या आया है, 1, 2। आपको इसके मॉड, माध्य और माध्यिका निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले चलूंगा मैं मॉड निकालने की तरफ। मॉड क्या होता है मैंने आपसे बताया था कि हर चीज का मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। मॉड वो संख्या होगी जो सबसे ज्यादा बार इस सीरीज में रिपीट हुई है, वो क्या है, 5। 3 बार आया है ना, तो आपका मॉड हमेशा बहुलक क्या होगा, सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ वो नंबर ही आपका मॉड कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब मैं माध्य की बात करता हूं दोस्तों। माध्य क्या होता है, इनका सबका जोड़ करना है और ये कितनी क्वांटिटी है उसका भाग देना है। तो माध्य निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए सबसे बड़ा फंडा आपको क्या करना है, सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। और ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। यहां 10 का भाग दे दोगे, 6.3 आ गया। आपका क्या निकल गया, मॉड निकल गया, आपका माध्य निकल गया। अब मैं बात करूं माध्यिका की, तो माध्यिका के लिए सबसे जरूरी काम आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा करना है कि ये जो नंबर है ना, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब आरोही क्रम में व्यवस्थित है। आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा बड़ा नहीं है ना, क्योंकि देखो 3 कहां पर आ रहा है। तो इसको आरोही क्रम में जमा दो, 3, 5, 5, 5, इसके बाद आपका 6, इसके बाद 7, 7, फिर 8, 8 और 9। तो इसको आरोही क्रम में जमाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, ठीक है। तो यहां पे माध्य का निकालने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना। n बराबर आपका 10 है, ये आपका क्या है, सम होता है, और सम में आपको कुछ नहीं करना। 10 का आधा कितना होता है, 5, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ध्यान रखो, 10 का आधा 5। तो पांचवा पद देखो, पहले तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद, और उसका अगला पद कौन है, 7। तो दोनों को जोड़ के बटे दो कर दो, 7 और 6, 13 बटे 2, आपका आंसर आ जाएगा 6.5। समझ में आ गया, ये आपकी माध्यिका हो गई। क्लियर हो गया दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आराम से कर सकते हो। देखो 10 आया, 10 में क्या करते हैं, सम है, सम में 2 का भाग दे दिया तो कितना आया, 5। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद, और उसका अगला पद बटे दो करना है, 6.5 आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? चलता हूं अब लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, फटाफट से उसके आंसर देने हैं, जिसमें मैं आपको ऑड वाला भी करा दूंगा, जल्दी से करना है दोस्तों, है ना। 3, 5, 7, 9, 8, 4, 3, 8, 7, 9, 7। सबसे पहले मुझे क्या बताना है, आप सबसे पहले मीन बताओ, फिर मॉड बताओ, माध्य बताओ, बहुलक बताओ, और फिर माध्य का बताओ। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दो सब लोग, जल्दी से दो, जल्दी से, मैं देख रहा हूं। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले मैं अगर मीन निकालने की बात करता हूं तो मुझे इन सब का सम करना पड़ेगा, और इन सब का सम करोगे तो कितना आ रहा है, इन सब का सम आ जाएगा 70। एक बार करके देख लेते हैं, 8 और 7, 15, 15 और 9 आपका हो जाएगा 24, 24 और 8 हो जाएगा 32, और 4 36, 36 और 3 39, 39 और 8 हो जाएगा 47, 47 और 7 54, 54 और आपका हो जाएगा 16, हो जाएगा 70। तो 70 कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये तो मेरा हो गया माध्य, समझ में आ गया, 70/11। क्लियर हो गया? मैं अगर मॉड की बात करूं तो मॉड क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 आपस का मॉड हो गया। अगर मैं मीडियन की बात करूं तो क्या ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है, नहीं है, तो सबसे पहले मुझे वो काम करना है, ध्यान देना, बार बार बोल रहा हूं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा दीजिए। 3 आया, 3 वहां भी है,
दो, चार भी है वहां पे, पांच भी है, ठीक है, छह नहीं है, सात अपने तीन बार है, ठीक है, इसके बाद आठ अपना दो बार है और फिर नौ है। गिन लेता हूं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, एक और रह रहा, दो नौ है, ठीक है, तो यहां पे लग गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब विषम के लिए देख लेते हैं, फटाफट से देख लो माध्यिका कैसे निकालते हैं। एन बराबर ग्यारह है, तो ग्यारह में आपको घटाना नहीं है, जोड़ना है, तो ग्यारह में एक जोड़ोगे कितना आ जाएगा, बारह, बारह, ग्यारह में एक जोड़ के बटे दो कर दो बस, तो छठवां पद जो होगा वही आपकी माध्यिका कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी, और इसका छठवां पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठवां, आपका आंसर हो जाएगा सात, तो आपका मोड और मीडियन इसमें बराबर हो गए। तो इस तरीके से आप स्टैटिक्स के ग्रुप डी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, इवन जिस भी एग्जाम में इतना पूछा जाता है स्टैटिक्स, सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। समझ में आ गया, छोटा पैकेट बनाया है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा है, तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा जी। आप रिवीजन करके भी जा सकते हैं, आप कहते हो ना सर स्टैटिक्स कहां से पढ़े, मैंने आपको छोटा पैकेट दे दिया है, क्लियर है गाइस, तो फिर चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, डेली आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो डेफिनेटली क्लासेस डेली चल रही है, एनालिसिस डेली चल रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर चीजें, आपने पेपर दे लिया होगा ऐसी मैं आशा करता हूं, ग्रुप डी का जो चल रहा है फ्री, तो चलते हैं, बाय बाय, सी यू सून।